तो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन एंड मेनली द डायरेक्शन डेरेवेटिव ऑफ ए वैक्टर क्वान्टिटी ना इन दिस क्लास वी विल सी ऑल द न्यूमरिकल्स रिलेटेड टू ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरेवेटिव बेसिकली डायरेक्शनल डेरीवेटिव डायशनल डेरीवेटिव से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं सभी को हम लोग यहाँ किक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ग्रेडियंट को भी इसके बीच में हम लोग क्लियर करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा कि न्यूमरिकल्स भी सॉल्व होगा साथ साथ में आ, जो ये थ्योरी है वो भी क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग किसी भी वेक्टर्स का कैसे फाइंड करते हैं तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन दैट इफ फाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर एक स्केलर फंक्शन दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू थ्री एक्सक्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर सो फाइंड द ग्रेड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई At the point one minus two minus one, that means x is equal to one, y is equal to minus two, and z is equal to minus one. so as we know that from the definition of gradient of phi, grad phi is equal to grad phi. That is i do by dou x, j do by do y plus k do by do z. Do by do x that means partial differentiation of the function with respect to x only. Partial differentiation of फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई ओनली पार्शियल डिफ्रेंसियन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड ओनली जब मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियल डिफ्रेंसिएट कर रहे हैं इसका मतलब सिर्फ एक्स डिफ्रेंसिएट होगा और बाकी जो भी टर्म रहेंगे वाई जेड या कोई भी टर्म होगा वो कॉन्स्टेंट होगा जिसको अभी हम लोग देखेंगे कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसमें उसी तरह से पार्शल डिफ्रेंसियन विद रिस्पेक्ट टू अगर वाई करेंगे तो वाई के टर्म में डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स और जेड कॉन्स्टेंट होगा और पार्शल डिफेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर जेड करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट होगा बाकी टर्म्स कांस्टेंट होंगे सो so, फाई फाई की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं जो दिया हुआ है हमारा थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर सो एक एक करके ये इसके साथ ऑपरेट करेगा बिकॉज इट इज एन ऑपरेटर सो फर्स्ट टर्म इसके साथ सेकेंड टर्म इसके साथ थर्ड वाला टर्म इसके साथ सो so, इसको हम लोग एक्सपेंड करके एक्सपेंड फॉर्म में लिख लिए i कैप do by do x 3x square y minus माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस जे कैप do बाई डो वाई थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस के कैप डो बाई डो एक्स थ्री एक्स स्क्सर अब इसके बाद यहां से ध्यान से देखना है नाउ वी हैव टू है दिस टर्म दिस इस टर्म को हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सो फर्स्ट इज थ्री थ्री कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है टू एक्स सो इट इज टू इंटू थ्री सिक्स एक्स और वाई जो है कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट जो है डिफेंशिएशन नहीं होता है कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा जब प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो सो so ये हो गया सिक्स एक्स वाई नाउ सेकेंड वाले टर्म में यहाँ पे कोई भी x का टर्म नहीं है सो so जब इसको ये पूरा पूरी कांस्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, सो so कांस्टेंट का डिफेंशिएशन हो गया जीरो सो so इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया इसको जीरो को हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाए हैं सो नहीं किए हैं सो भी कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस जे कैप डो बाय डो वाइस इसको y के रिस्पेक्ट में डिफेंसिएट करना है तो y के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्टिएट करेंगे तो थ्री एक्सक्वाई कांस्टेंट का हो गया सो स्क्वायर स्क्वायर इस टर्म में हो गया तो जेड स्क्वायर का ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देंगे एंड वाई क्यू का डिफेंसियशन होता है थ्री वाई स्क्वायर वी नो दैट ये डिफेंसिएशन बताने का तो जरूरत है यहाँ पे होना नहीं चाहिए सो वाई क्यू का डिफेंसिएशन हो गया थ्री वाई स्क्वायर नाउ इन द थर्ड टर्म वी हैव थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर फर्स्ट वाले टर्म में हमारा जेड का कोई टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सो so, ये जीरो नाउ नेक्स्ट वाई क्यू वाई क्यू कॉन्स्टेंट और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड इज टू एक्स सो इट इज माइनस टू वाई क्यू जेड अब ये ग्रेट फाई का वैल्यू हमको किस पॉइंट पे फाइंड करना है माइनस वन माइनस टू सॉरी वन माइनस टू एंड माइनस वन पे दैट मींस वी हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू माइनस टू एंड जेड इज इक्वल टू माइनस वन नॉ पुटिंग ऑल दिस वैल्यू वी विल गेट एक्स के जगह पे जो भी वैल्यू डिजायर्ड वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे इस तरह से और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा ग्रेट फाइव इक्वल टू माइनस ट्वेल्व के प्रॉब्लम्स जो होंगे बहुत ही ईजिली तरीके से हम लोग फाइन कर सकते हैं सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पार्शल डिफेंसिएशन होगा वो क्लियरली जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको अच्छी तरह से यहाँ पे करना है बाकी वैल्यू पुट करके ये आराम से ग्रेडियंट हम लोग फाइन करते हैं ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था इसके आगे हम लोग एक एक करके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे एक एक करके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द थ्योरी ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव सेकेंड क्वेश्चन इज टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर

सो so, पहला फंक्शन हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सो फर्स्ट वी हैव टू एज्यूम और लेट फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मान लेंगे हम लोग इसको इस तरह के फॉर्म में सो फाई इज इक्वल टू ये मान लिया अब इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का फाइन करने के लिए हमको उसका ग्रेडियंट फाइन करना पड़ता है क्योंकि हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला जानते हैं दैट इज ग्रेड फाई इन डी कैप डी कैप जो है उसके डायरेक्शन का जो वेक्टर होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले तो ग्रेट फाइव स्केलर फंक्शन का हम लोग फाइन करना होगा देन उसके बाद डी कैप फाइन करना होगा तो डी कैप के लिए हम लोग बाद में आएंगे पहले हम लोग ग्रेट फाइव फाइन करेंगे सो ग्रेट फाइव हो जाएगा हमारा डो डो बाई कैप डो बाई डो एक्स जे कैप डो बाई डो वाई और फाइव जो हमारा है दिया हुआ है वो फाइव है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सो तो यहाँ पे हम लोग सब्सिट्यूट कर दिए फिर हम लोग को यहाँ पे वैल्यू एक एक करके एक्सपेंड कर देंगे ये वाला टर्म इसके साथ में फिर इसके साथ में और फिर लास्ट वाले टर्म के साथ में सो so, i कैप डो बाई डो x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस j कैप डो बाई डो y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस k कैप डो बाई डो z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नाउ

x square y square 2z और वी कैन राइट इट एस 2x square y square z k कैप सो दैरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ आई एट किस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है 1 1 minus 1 सो so, एक्स के जगह पे 1 वाई के जगह पे 1 जेड के जगह पे 1 पुट करेंगे सो so, ये हमारा वैल्यू आएगा 2i plus 2j minus 2k नाउ वी हैव गिवन दैट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कर्व है जिसके टेंजेंट के कर्व में हमको फाइंड करना है ये इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव ये जो फंक्शन दिया हुआ है सो फर्स्ट लेट एज्यूम दैट आर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर है जिसका वैल्यू है आर इज इक्वल टू जनरली यही होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एक्स के जगह पे हम लोग पुट करेंगे जो दिया हुआ है वैल्यू टू दी पावर टी वाई के जगह पे साइन टू टी प्लस वन एंड जेड के जगह पे वन माइनस कॉस टी सो पुटिंग वी हैव टी

तो ये हो जाएगा e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर t sin 2t का डिफरेंशिएशन होता है cos 2t और 2t का डिफरेंशिएशन होता है 2 1 का 0 सो so 2 cos 2t j कैप नाउ नेक्स्ट 1 का डिफरेंशिएशन 0 cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t और माइनस माइनस प्लस सो माइनस प्लस साइन t k कैप नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट एट तब जहाँ जहाँ पर टी का टर्म है है पर हम पुट करेंगे सो पावर 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 टू कैप किसी भी क्वांटिटी का 0, 1 होता है, so यहाँ पे नहीं रहेगा Now, have, इसके बाद हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो डेरिवेटिव डायरीवेटिव हम लोग बोले ये होता है ग्रेड फाइव डॉट डी कैप तो हम लोग डायरेक्शन तो फाइंड कर लिए डी कैप क्या होगा कोई भी यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड करते हैं डेट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डैट वेक्टर सो वेक्टर हमारा निकला था लास्ट में अभी हम लोग फाइंड किए वैक्टर्स है यहां पे क्या फाइन किए आई प्लस टू जे सो टू जे हम लोग लिखेंगे और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे सो आई प्लस टू जे और इसका सो so, कोई भी फंक्शन रहता है या फिर वेक्टर होता है अगर आर इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सो दैट मॉडलस ऑफ दैट आर इज इक्वल टू होता है रूट ऑवर एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये इसका मॉडल होता है जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में सो so पे जे के आगे में है टू सो दिन प्लस टू स्क्वायर इज फोर डॉट प्रोडक्ट लेंगे डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं आई डॉट आई इज इक्वल टू वन जे डॉट जे इज इक्वल टू वन के का कोई प्रोडक्ट यहाँ पे है नहीं तो इसलिए के का कोई मतलब नहीं है सो टू इंटू वन टू टू इंटू टू फोर माइनस टू इंटू इधर जीरो सो जीरो के प्रॉब्लम लेंदी टाइप में दिए जाते हैं लेकिन काफी इजी है ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि कोई स्केलर फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका हम लोग ग्रेट फाइन फाइन करेंगे ग्रेट फाइव एंड उस वेक्टर को फाइंड करने के बाद वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और यूनिट वेक्टर के साथ फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा फाइंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल यूनिट नॉर्मल टू द सर्फेस एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एट माइनस वन माइनस वन टू एक सरफेस दिया हुआ है उसका यूनिट नॉर्मल हमको यहाँ पे फाइंड करना है किस पॉइंट पे माइनस वन माइनस टू फोर फर्स्ट वी हैव टू यूनिट नॉर्मल किसी भी तरह का हो तो इसमें ग्रेडियंट ही फाइंड करना है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिजिकल या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी अगर कोई भी फंग या सरफेस है उस सरफेस में अगर कोई टेंजेंट है तो उस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है इस दैट इज ये नॉर्मल ये ही वेक्टर जो है ग्रेट फाइव को रिप्रेजेंट करता है अगर ये मेरा फाई सरफेस है तो इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखें दैट मीन्स नॉर्मल निकालना है दैट मीन्स हमको ग्रेट फाइव फाइंड करना है सो ग्रेट फाइव फाइंड करने के लिए फिर वही फार्मूला आई कैप डो फाइव बाई डो एच के एक्स फिर ये हम लोग डिफ्रेंसिएट कर रहे हैं यहाँ पे हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है सो so, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई क्यू जेड स्क्वायर जो है कॉन्स्टेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन विध रिस्पेक्ट टू एक्स वन सो इट इज वाई क्यू जेड स्क्वायर आई कैप प्लस नेक्स्ट

वैल्यू so, पुट uh, करने के बाद माइनस फोर आई माइनस ट्वेल्व जे प्लस फोर के अब चूंकि प्रॉब्लम को हमको डिस्कस देखना होगा कि यह नॉर्मल टू द सर्फेस फाइन करने कह रहा है कि यूनिट नॉर्मल तो ये कह रहा है यूनिट नॉर्मल दैट मीन्स यूनिट वैक्टर फाइन करना होगा एंड यूनिट वैक्टर इज वैक्टर डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलर तो हम लोगों ने तो वैक्टर फाइन कर लिया अब इसका यूनिट नॉर्मल फाइन करना था यूनिट नॉर्मल फाइन करने के लिए इसका हम लोग का यूनिट वैक्टर फाइन करना होगा सो so,

इंटू इलेवन सिक्सटीन का स्क्वायर रूट होता है फोर रूट इलेवन का तो नहीं निकलता है तो फोर स्क्वायर सिक्सटीन का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो फोर ये फोर और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा सो आंसर हो जाएगा हमारा माइनस आई कैप प्लस थ्री जे माइनस के डिवाइडेड बाई रूट ऑवर इलेवन सो इट इज द यूनिट नॉर्मल टू द गिवेन सरफेस यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का कोशिश किया है ताकि अलग अलग तरह के आइडिया हमारा क्लियर हो एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स तो बनाए जा सकते हैं लेकिन अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स बनाने से होता है क्या है कि आइडिया क्लियर होता है कि कैसे प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर फोर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ये, ये सरफेस दिया हुआ है इन द डायरेक्शन नॉर्मल सरफेस सरफेस है एक्स स्क्सर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर टू थ्री एट पॉइंट वन वन तो सबसे पहले तो फिर वही हमारा सरफेस है सरफेस के लिए इसका मतलब है कि डेरिवेटिव से रिलेटेड ही क्वेश्चन है लेकिन अलग टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन काफ़ी आसान से हम लोग फाइन करेंगे अगर फाइव दिया हुआ है तो सबसे पहले इस फाई का हमको ग्रेड फाइव फाइन करना होगा और इसका फिर यूनिट वक्टर और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके फिर हम लोग वैल्यू फाइन करेंगे तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझेंगे सबसे पहले हम लोग ग्रेड फाइव फाइन कर रहे हैं फाई हमारा दिया हुआ है एक्स वाई जेड तो फिर यहाँ पर हमारा एक्स वाई जेड यहाँ हो गया यहाँ हमारा एक्स वाई जेड हो गया यहाँ एक्स वाई जेड हो गया अब यहाँ पे फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है वाई जेड कॉन्स्टेंट सो वाई जेड आई कैप यहाँ पे हो जाएगा फिर y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y वन सो so xz जेड सो एक्स जेड जे कैप और k कैप एक्स वाई जेड में फिर एक्स वाई के कैप अब ये वैल्यू फाइंड जो करना है हमको वन 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 फिर फाइन करना है दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन एंड जेड इज इक्वल टू वन सो वी विल गेट वन इंटू वन इज इंटू आई वन इंटू वन इंटू जे वन इंटू वन इंट के दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अब नेक्स्ट जो अलग सरफेस दिया हुआ है ये भी हमारा एक सरफेस ही है तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोगों ने मान लिया लेट फाइ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर अब चूंकि यहां सरफेस इज इक्वल टू थ्री है दैट इज माइनस थ्री हम लोग यहां पे कर लेंगे याद रखना है कैसे हम लोग फाइंड करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेड फाई तो ग्रेड फाइ हमारा निकल गया अब हमको फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट लेना है डी कैप डेट इज यूनिट वैक्टर फाइन करना है और डी कैप क्या होता है डी कैप इज वैक्टर एंड इसका मॉडुलस वेक्टर और इसका मॉडुलस को हम लोग कहते हैं डी कैप तो डी कैप जो है वही ये सरफेस के फॉर्म में दिया हुआ है तो पहले से इसका फाइंड कर लेते हैं इसमें भी हमको ग्रेडियंट फाइन ग्रेडियंट ही फाइंड करना होगा क्योंकि ग्रेडियंट इज ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी

सो एक्स स्क्वायर का डिफेंसेशन टू एक्स तो यह हो जाएगा टू एक्स वाई टू एक्स वाई नेक्स्ट वाला टर्म में वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स का डिफेंसेशन वन तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इसलिए हमारा पहला टर्म आ गया यहाँ पे टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर नेक्स्ट वाला टर्म वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई का टर्म पहले में भी है सेकेंड में भी है थर्ड में भी है सो so, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई का डिफेंसेशन वन प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिफेंसिएशन टू वाई एक्स को पहले लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई और यहाँ पे y का वन और जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो ये हो गया जेड स्क्वायर सो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एक्स स्क्स एक्सवाई प्लस जेड स्क्वायर सेम टू सेम यहाँ पे आया नौ z का टर्म कहाँ पे z का टर्म सिर्फ यहाँ पे है यहाँ पे यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे इन लोग का डिफेंसिएशन जीरो सो जेड स्क्वायर का डिफेंसिएशन टू जेड सो ये हो जाएगा टू वाई जेड टू वाई जेड

सो इट इज थ्री आई प्लस फोर जे प्लस टू के थ्री स्क्वायर नाइन फोर स्क्वायर सिक्सटीन टू स्क्वायर फोर सो इट इज़ रूट ओवर ट्वेंटी नाइन अब हमको क्या फाइन करना है डायरेक्शन डेरेवेटिव सो ग्रेट फाइव जो हम लोगों ने फाइन किया और ये हमारा निकल गया डी कैप ये हमारा क्या निकल गया डी कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा सो so हम लोग ले लेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट तो आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट वन जे के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट वन के के साथ के का डॉट प्रोडक्ट वन सो इट इज़ थ्री प्लस फोर प्लस टू रूट ट्वेंटी नाइन डेट इज नाइन बाई रूट ट्वेंटी नाइन ये हमारा आंसर हो गया सो हम लोगों ने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का कोशिश किया कि डायरेशनल डेरेवेटिव का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए डायरेक्शनल डेरिवेटिव में अब हम क्या आइडिया रहा कि अगर कोई भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया हुआ रहे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइन करते हैं कि कोई भी इसके पहला तो है कि हमको उसका ग्रेड फाइव फाइंड करना होगा और दूसरा वाला जो वेक्टर होगा वो कोई भी हो सकता है सरफेस भी हो सकता है या फिर वेक्टर दिया हुआ रह सकता है टैंजेंट दिया हुआ रह सकता है उसका हमको वेक्टर फाइंड करना होगा पहले सो वेक्टर डेट मीन्स ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं सो so अगर वो फाइन हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे उसका डी कैप फाइन करेंगे दैट डी कैप इज इक्वल टू होगा वैक्टर डी डिवाइडेड बाई उसका मॉडुलस ये ग्रेड फाइव के फॉर्म में भी हो सकता है ग्रेड साई के फॉर्म में भी हो सकता है एंड देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे ग्रेड फाइव का डॉट प्रोडक्ट हम लोग डी कैप के साथ में लेंगे तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सेल्व कर सकते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है इस प्रॉब्लम्स को एक एक करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे ये एक तरह का असाइनमेंट्स क्वेश्चंस भी हो सकता है जिसको प्रैक्टिस के फॉर्म में सॉल्व किया जा सकता है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से थ्योरी uh -huh. um, हमारा डेवलप होगा तो कुछ इसमें हम हिंट्स भी दे देंगे जिससे प्रॉब्लम्स डिस्कस हो जाएंगे सो so, पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स के लिए ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लेकिन इसको बनाना है कोशिश करना है कि ये बन जाए फाइंड द कॉन्स्टेंट एम एंड एन सच दैट द सर्फेसिस एम एक्स स्क्वायर माइनस टू एन वाई जेड ज इक्वल टू एम प्लस फोर एक्स विल बी ऑर्थोग क्या करना है इसको एक मानना है सरफेस फाइ और इसको एक सर्फेस मानना है आ, साई दोनों में हमको क्या फाइन करना है पहले ग्रेट फाइव फाइन करना है फिर ग्रेट फाइव का वैल्यू फाइन करना होगा वन माइनस वन टू पे तो यह निकल जाएगा फिर हमको ग्रेट साई फाइन करना है ग्रेट साई si हमारा इससे निकलेगा और ग्रेट साई si निकलने के बाद फिर वहां पे एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू माइनस वन और जेड इज इक्वल टू टू पुट करेंगे और दिख रहा है दोनों सरफेस जो है ऑर्थोगोनल दैट मीनस दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो तो इससे हमारा कुछ इक्वेशन फॉर्मुलेट होंगे और इस इक्वेशन से हम लोग फिर एम और एन का वैल्यू फाइन कर लेंगे आराम से क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल दैट मीनस दोनों परपेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा दैट मीनस दोनों के बीच में नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है तो कॉस् नाइन्टी डिग्री इज इक्वल टू जीरो सिमिलर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैमडा एंड म्यू सो दैट द दर्फेस दिस एंड दिस लैमडा एक्स स्क्वायर माइनस म्यू वाई जेड इज इक्वल टू लैमडा प्लस टू एक्स एंड फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू फोर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑर्थोगन टू सेम टू सेम जैसे प्रीवियस वन में हम लोगों ने बताया वैसे इसको भी उस इस तरह से सॉल्व करना है इक्वेशन फॉर्मुलेट होंगे और उस पर लेम्डा और म्यू का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेस इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन एंड जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एट द पॉइंट तो फिर इसमें वही करना है इसको सरफेस लेना है phi इसको लेना है सरफेस साई और फिर हम फाई भी ले आ, साई सॉरी साई और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है डॉट प्रोडक्ट में हमको यहाँ पे फिर क्या क्या फाइन करना है कॉस्ट theta फाइन करना है कॉस थीटा फाइन करना है वो या कॉस थीटा निकल जाएगा तो फिर हम लोग थीटा भी फाइन कर देंगे नेक्स्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे दो क्वेश्चन और हैं एक है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर एट द पॉइंट पी वन टू थ्री इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू वेयर क्यू इज द पॉइंट फोर फाइव जीरो फोर एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ इज इक्वल टू फोर इ पावर टू एक्स वाई टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड एट दाइनस वन इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स दाइनस थ्री फाइव सिक्स तो ये दोनों प्रॉब्लम भी उसी तरह से सोल्व होंगे जिस तरह से प्रीवियस प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने डिस्कस किया सो so ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है इसको सोल्व करने की कोशिश करें नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे हम लोग बढ़ते हैं ग्रेडियंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज इफ आर इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सो दैट ग्रेड ऑफ आर ये आर जो यहाँ वैक्टर नहीं है स्केलर फॉर्म है ग्रेड ऑफ आर इज इक्वल टू वैक्टर आर डिवाइड बाई आर और सिमिलर कभी कभी ये यहाँ पे सीधा सीधी दे देता है आर के क्योंकि वेक्टर आर वेक्टर डिवाइडेड यूनिट मॉडल एंड सेकेंड क्वेश्चन इज ग्रेडियंट ऑफ वन बाय आर इज इक्वल टू माइनस आर डिवाइडेड बाय आर क्यू इसको देखते हैं किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको सो एज वी नो दैट इट इज गिवेन पोजिशन वैक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के

जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंट करेंगे तो डॉ आर डू जेड का वैल्यू आएगा तो कैप डो so आर बाई डू जेड अभी हम लोग डो आर बाई डू एक्स का वैल्यू क्या निकाला एक्स बाई आर तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया डो आर बाई डू वाई का वैल्यू क्या निकाला वाई बाई आर इसको हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया डो आर बाई डो जेड इज जेड बाई आर जेड बाई आर को यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया आर इज़ कॉमन आर मेरा डिनोमिनेटर में कॉमन है तो LCM हमारा आर हो गया सो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एक्स आई प्लस आई जे प्लस जेड के का वैल्यू क्या है हमारा वेक्टर आर तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया वेक्टर आर डिवाइड बाई आर यही तो हम लोग को प्रूफ करना था और कभी कभी ये भी होता है कि वेक्टर आर डिवाइड बाई मॉडल ऑफ आर इज इक्वल टू आर ये भी दिया हुआ रहेगा ये भी आराम से हम लोग का सॉल्व हो गया सिमिलरली दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रेड ऑफ वन बाई आर ये हमको वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग आते हैं ग्रेड वन बाई आर डेट इज सिम्बॉलिकली हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से सो so ये हो जाएगा आई कैप डो बाई डो एक्स यहाँ पे ऑपरेटर के जगह पे आ गया वन बाई आर जे कैप डो बाई डो आर वन बाई आर के कैप डो बाई डो जेट वन बाई आर वन बाई आर मतलब इसको हमको डिफनसिएट करना है पहले हाँ, एक। तो एक्स के रिस्पेक्ट में देन वाई के रिस्पेक्ट में देन जेड के रिस्पेक्ट में वन बाई आर को हम लोग लिख सकते हैं आर का पावर माइनस वन सिमिलर हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स टू पावर एन का डिफेंसिएट होता है एन टाइम्स एक्स टू दावर एन माइनस वन तो ये हो गया तो इसका डिफेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस वन आर का पावर माइनस वन माइनस वन दैट इज माइनस वन डिवाइड बाई आर का पावर माइनस टू नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई आर स्क्वायर और फिर आर का डिफ्रिएशन विद्य पहला टर्म हो जाएगा माइनस वन डिवाइड बाई आर स्क्वायर डू आर बाई डू एक्स आई कैप प्लस सेकेंड वाला टर्म में भी सेम होगा लेकिन लास्ट वाला जो होगा इसका टर्म डो आर बाई डू वाई हो जाएगा और थर्ड वाला में क्या हो जाएगा डो आर बाई डू जेड सब में वन बाई आर स्क्वायर कॉमन है तो माइनस वन बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। डू आर बाई डू एक्स का भी हम लोगों ने वैल्यू फाइन किया क्या वैल्यू फाइन किया एक्स बाई आर बाई डू वाई का क्या वैल्यू फाई किया वाई बाई जेड आर एंड डो आर बाई डू जेड का क्या वैल्यू फाइन किया जेड बाई आर फिर यहाँ आर मेरा कॉमन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या है वेक्टर आर डिड बाई आर सो नीचे आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा आर क्यूब सो इट इज माइनस आर डिवाइडेड by आर क्यू ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना था तो इसी तरह से हम लोग और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो प्रॉब्लम्स दिए हैं उसको डिस्कस करेंगे एंड uh, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक uh, पढ़ेंगे ग्रेडेंट uh, तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ अ वैक्टर कैसे फाइन करते हैं एंड देन कर्ल ऑफ अ वैक्टर कैसे फाइन करते हैं और उसके कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे